सभी चीजें हीट एनर्जी फेंकती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रूप लेती है ये हीट रेडिएशन हमें दिखती नहीं क्योंकि ये इंफ्रारेड वेवलेंथ में होती है जो हम देख नहीं सकते मगर हम पी सेंसर से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी हीट एनर्जी का पता लगा सकते हैं पी का मतलब है पैसिव इंफ्रारेड पैसिव जिसका उल्टा होता है एक्टिव यह सेंसर पैसिव इसलिए है क्योंकि ये सेंसर खुद रेडिएशन नहीं एमिट करता केवल हीट रेडिएशन जो इस पर पड़ रही होती है उसको डिटेक्ट करता है पी सेंसर के ऊपर ये फ्रेशनल लेंस लगा है फ्रेशनल लेंस छोटे लेंसेज के फील्ड ऑफ व्यू को एकत्रित करके इसके अंदर लगे सेंसर पर केंद्रित कर देता है जो पी सेंसर है ये दो भागों में बटा है और दोनों भाग ऐसे मटेरियल के बने हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्ट कर सकते हैं जब सेंसर के आसपास सब स्थिर होता है तब सेंसर के दोनों ही भाग एक ही लेवल की रेडिएशन नाप रहे होते हैं मगर अगर कोई चीज़ हिलती है जैसे जिस कमरे में ये सेंसर लगा है अगर उस कमरे में कोई आता है तो सेंसर के पहले भाग में रेडिएशन का लेवल जो है वो बदल जाता है और दूसरे भाग में रेडिएशन का लेवल पहले के बराबर होता है इस कारण दोनों भागों में रेडिएशन के लेवल में डिफरेंशियल आ जाता है ये जो डिफरेंशियल है इसी को ये लेंस जो है वो मेजर करता है इसी रेडिएशन लेवल के डिफरेंशियल की वजह से सेंसर मोशन डिटेक्ट करता है पी सेंसर में तीन पिनस लगी होती हैं एक पिन है वोल्टेज की जिसमें हम तीन से पाँच वोल्ट पावर सप्लाई कर सकते हैं एक पिन होती है सिग्नल की और तीसरी पिन होती है ग्राउंड के लिए यानी कि बै बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम इसको कनेक्ट करते हैं पी सेंसर की वर्किंग समझने के लिए पी सेंसर को ब्रेडबोर्ड में लगाते हैं तो ये लगाने के लिए हम सबसे पहले पी आई आर पी आई आर सेंसर की पिन्स में वायर्स जोड़ते हैं तो हम इसमें ये मेल टू फीमेल वायर्स ये जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहली पिन है वो वी सी सी यानी वोल्टेज की है तो कन्वेंशन फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे रेड कलर का वायर लगा रहा हूँ जो बीच वाली पिन है वो सिग्नल की है तो मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का वायर लगा रहा हूँ और जो तीसरी पिन है वो ग्राउंड की है वहाँ मैं कन्वेंशन फ़ॉलो करते हुए ब्लैक कलर का वायर लगा रहा हूँ और फिर मैं ये फ्रेशनर लेंस जो है इन इसको वापस इसमें फ़िट कर देता हूँ अब हम इस लेंस को ब्रेड बोर्ड में लगाते हैं तो ब्रेड बोर्ड में हम सेंसर की वी पिन को प्लस में डाल रहे हैं सेंसर की ग्राउंड uh, पिन को हम माइनस में डाल रहे हैं और सेंसर की जो सिग्नल पिन है इसको हम लेट से ए फिफ्टीन में डाल रहे हैं फिर हम एक बैटरी पैक लेते हैं और इस बैटरी पैक को हम इसका जो प्लस है हम इसको प्लस में डाल रहे हैं प्लस की ब्रेड बोर्ड की प्लस uh, की रेल में डाल रहे हैं और जो माइनस की पिन है इसको हम ब्रेड बोर्ड की माइनस की रेल में डाल रहे हैं तो अब हमारे सेंसर को जो है पावर मिल गई है और ये हमारी पावर बैटरी सप्लाई से कनेक्ट हो गया है इसको टेस्ट करने के लिए हम इसमें एक एलईडी लगाते हैं एलईडी ई ना जाए इसके लिए हम एक रजिस्टर का प्रयोग करेंगे तो हम रजिस्टर को ऐसे लगा रहे हैं कि रजिस्टर को ये मैं E15 पे डाल रहा हूँ ताकि ये A15 से कनेक्टेड रहे और उसके बाद मैं इसको दूसरी तरफ 15 की रो में ही डाल रहा हूँ उसके बाद ये जो एल है इसमें जो लंबी टांग है ये प्लस है और छोटी टांग जो है वो माइनस है तो मैं जो प्लस की टांग है उसको मैं रजिस्टर से कनेक्ट कर रहा हूँ और जो माइनस की टांग है उसको मैं ग्राउंड पे दे रहा हूँ यानी कि जो ब्लू साइड थी बैटरी की नेगेटिव साइड थी उसमें दे रहा हूँ जब हम कोई भी सेंसर लगाते हैं 30 टू 60 सेकेंड्स के लिए वेट करनी चाहिए लगाने के बाद ताकि जो सेंसर है वो स्टेबलाइज हो जाए तो एक बार सेंसर स्टेबलाइज हो गया तब हम इसमें मोशन डिटेक्ट कर कर देख सकते हैं कि मोशन डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं तो जैसे ही यहाँ मोशन ये डिटेक्ट कर रहा है तो एल लाइट जो है वो जल जा रही है ये जो पी आई आर सेंसर है ये दो तरीके से काम कर सकता है यहाँ पर एक ये जो येलो कलर की जम्पर पिन लगी हुई है इसको अगर मैं निकालता हूँ तो नीचे ये तीन पिन्स लगी हैं और यहाँ पर आ, पिन्स में एक तरफ जो है वो यहाँ नीचे एल लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो एच लिखा हुआ है तो अगर मैं इस जम्पर को ऊपर की दो पिनस यानी एल पोजीशन मैं लगा रहा हूँ तो ये जम्पर लगा के ये दोनों पिन आपस में कनेक्ट हो गई तो इस वक्त ये जो सेंसर है ये एल पोजिशन पर है और फिर जैसे ही हम कुछ भी चेंज करते हैं तो हमारे को थोड़ा थर्टी टू सिक्सटी सेकेंड्स सेंसर को स्टेबलाइज़ करने के लिए वेट करना पड़ता है और इसके बाद अब अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो मोशन हुआ और एलईडी जली पर अगर एलईडी के आगे कंटिन्यूस मोशन हुआ तो मैं अगर अपना हाथ ले जाके ये एल जली और मैं इसके आगे कंटीन्यूस मोशन कर रहा हूँ पर एल जो है वो बुझ गई तो अगर जम्पर एल पोजीशन में होता है तो सेंसर के आगे कंटीन्यूस मोशन भी हो रहा हो तो सेंसर हमेशा ऑन नहीं रहता जो जो सिग्नल पिन है वो ऑन ऑफ होती रहती है इसी वजह से जो एलईडी है वो ऑन ऑफ हो रही है फिर अगर मैं ये जंपर पिन निकाल कर इसको एच पोजीशन यानी नीचे वाली दो पिन से जोड़ देता हूँ तो अब ये जंपर एच पोजीशन पर है और फिर हमारे को 30 टू 60 सेकेंड वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने सेंसर की सेटिंग्स बदली हैं और जब ये फर्स्ट 30 टू सेकेंड में हो सकता है जो एलईडी है वो ऑन ऑफ हो या ऑन हो क्योंकि जब तक सेंसर स्टेबलाइज नहीं होता तो कंट्रोल पिन में कुछ भी हो सकता है पर एक बार जब ये सेंसर स्टेबलाइज हो गया तो अब अगर मैं इसके आगे मोशन कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यूस मोशन कर रहा हूँ सेंसर के आगे तो जो एल है वो कॉन्स्टेंटली जली हुई है तो एल और एच पोजिशन का ये फ़र्क है कि एच पोजिशन में हम कहते हैं सेंसर री ट्रिगर हो रहा है तो अगर कंटीन्यूस मोशन होगा तो सेंसर उसे डिटेक्ट करता रहेगा अधिकतर प्रोजेक्ट्स में हम सेंसर को एच पोजीशन में ही रखते हैं पी आई आर में दो पोटेंशियो भी होते हैं पोटेंशियो मीटर यानी वेरिएबल रजिस्टर तो पोटेंशियो मीटर पंखे में लगे रेगुलेटर जैसा होता है जो वोल्टेज को घुमाने से कम या ज्यादा करता है एक पोटेंशियो मीटर सेंसर की सेंसिटिविटी कंट्रोल करता है यानी कि हल्का सा मोशन भी सेंसर डिटेक्ट कर लेगा क्लॉकवाइज घुमाने से इस सेंसर की सेंसिटिविटी बढ़ती है दूसरा पोटेंशियोमीटर मोशन डिटेक्ट होने के बाद सिग्नल पिन कितनी देर तक ऑन रहे इसे कंट्रोल करता है क्लॉकवाइज घुमाने से एलईडी ज़्यादा देर तक ऑन रहेगी यानी कि सिग्नल पिन जो है वो ज़्यादा देर तक ऑन रहेगी तो अगर मैं सेंसिटिविटी वाले पोटेंशियोमीटर को सबसे हाईएस्ट सेंसिटिविटी में कर रहा हूँ और फिर मैं थर्टी सेकेंड्स की वेट कर रहा हूँ ताकि जो सेंसर है वो स्टेबलाइज हो जाए और उसके बाद मैं अपना हाथ जो है वो ला रहा हूँ तो जैसे ही हाथ मेरा ये इतने डिस्टेंस पे आया सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया और अगर अब मैं इसकी सेंसिटिविटी को एकदम कम कर रहा हूँ और फिर थर्टी सेकंड्स की वेट कर रहा हूँ कि ये सेंसर स्टेबलाइज हो जाए और उसके बाद मैं अपना हाथ फिर से लाता हूँ सेंसर की तरफ तो अभी सेंसर की सेंसिटिविटी जो है वो कम हो गई है इसी तरीके से अगर मैं इसको सेंसिटिव रखते हुए आपने देखा अभी कि एल कितनी देर के लिए ऑन रहती है मैं अब एल का टाइम बहुत बढ़ा रहा हूँ तो अब जो है जैसे ही मोशन हो, डिटेक्ट हो गया क्योंकि मैंने सेंसर को थोड़ा सा हिला दिया तो अभी आप नोटिस कर रहे हैं कि एलईडी जो है अब ये बहुत देर तक जली रहेगी और अब मैंने वापस टाइम कम कर दिया है सेंसिटिविटी हाई है और अब अगर मैं फिर सेंसर को स्टेबलाइज़ होने के बाद फिर से टेस्ट करता हूँ तो मोशन सेंसिटिव ज़्यादा है और उसके बाद एलईडी जो है वो अपने आप ही कुछ सेकेंड्स के बाद बंद हो जाती है तो इस तरीके से ये जो दो पोटेंशियो मीटर हैं इनसे आप सेंसिटिविटी और टाइम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और इस जम्पर केबल से आप रीट्रिगरिंग हो या ना हो इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो अब आपको पी सेंसर की वर्किंग समझ आ गई होगी अब हम से, इस सेंसर को माइक्रोबिट से कैसे कनेक्ट करते हैं और फिर इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं ये सीखते हैं